हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कॉम्पिटिटिव फार्मा यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज लेकर आए हैं हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, फार्मास्यूटिक्स का ऑल डेफिनेशन इन वन वीडियो। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस है जो कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, थेरी एग्ज़ाम में, हर तरह के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंट डेफिनेशन ऑफ फार्मास्यूटिक्स। ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ हमारा चैनल, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हमारे लेटेस्ट और अपडेटेड वीडियो आपको मिलते रहेंगे। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दे रखी है, वहाँ पे फार्मा के नोट्स वगैरह आपको मिलते रहेंगे दोस्तों। सो लेट्स स्टार्ट द इम्पोर्टेंट डेफिनेशन ऑफ फार्मास्यूटिक्स। फर्स्ट डेफिनेशन, प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन इज ए रिटन ऑर्डर गिवन बाय द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर और एनी अदर लाइसेंस पर्सन्स और वेटरियन डॉक्टर्स, डेंटिस्ट, टू द फार्मासिस्ट टू डिस्पेंस द मेडिकेशन। एक लाइसेंस पर्सन्स और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर क्या करता है, एक पर्ची लिखता है, ओके, दैट इज कॉल्ड एज ए प्रिस्क्रिप्शन टू द फार्मासिस्ट टू डिस्पेंस द ड्रग। ड्रग डिस्पेंस करने के लिए फार्मासिस्ट को एक पर्ची लिखी जाती है, एक चिट्ठी लिखी जाती है, उसे क्या कहते हैं, प्रिस्क्रिप्शन हम कहते हैं। पेस्ट। पेस्ट आर द सेमी सॉलिड प्रिपरेशन इंटेंडेड फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू द स्किन एज अ प्रोटेक्टिव एंटीसेप्टिक एंड द सूदनिंग ड्रेसिंग। ये क्या है, ये सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है, एक्सटर्नली अप्लाई किया जाता है एज ए प्रोटेक्टिव एंटीसेप्टिक। नेक्स्ट, जेलीज। जेलीज आर दी ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट, नॉन ग्रीसी, ओके, सेमी सॉलिड प्रिपरेशन फॉर द एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू द स्किन और टू द म्यूकस मेम्ब्रेन आल्सो। ये स्किन को पर भी अप्लाई की जाती है और म्यूकस मेम्ब्रेन पर भी अप्लाई की जाती है। इट इज ए नॉन ग्रीसी, ये कैसी है, नॉन ग्रीसी है, ओके। पाउडर। पाउडर इज ए मिक्सचर और ऑफ फाइनली डिवाइडेड ड्रग्स और द केमिकल इन ए ड्राई फॉर्म, ओके, विच आर मीन फॉर द इंटरनल और एक्सटर्नल यूज। इंटरनली भी यूज करते हैं पाउडर हम और एक्सटर्नली भी यूज करते हैं। एफरवसेंट ग्रैन्यूल्स, ओके, एफरवसेंट ग्रैन्यूल्स आर द स्पेशली प्रिपेयर्ड सॉलिड डोसेज फॉर्म ऑफ द मेडिकामेंट मीन फॉर इंटरनल यूज। इंटरनल यूज करने के लिए स्पेशली प्रिपेयर्ड सॉलिड मेडिकामेंट डोसेज फॉर्म है ये। मिक्सर। मिक्सर से आपको पता चलता होगा दो और दो से ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे मिक्स की होगी। मिक्सर इज ए लिक्विड प्रिपरेशन मीन फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, ओके, लिक्विड प्रिपरेशन है, ओरली हम लेते हैं, इन विच द मेडिकामेंट एंड द मेडिकामेंट्स, एक मेडिकामेंट होता है और दी बहुत सारे मेडिकामेंट्स आर डिजॉल्व, सस्पेंड, डिस्पर्स इन ए सुटेबल व्हीकल, ओके, एक व्हीकल होता है, व्हीकल में क्या होता है, वो डिस्पर्स किया जाता है, मेडिकामेंट डिस्पर्स किया जाता है। व्हीकल कौन सा भी हो सकता है, यहाँ पे वाटर हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, कोई भी व्हीकल हो उसमें क्या किया जाता है, ये डिस्पर्स किया जाता है। नेक्स्ट, शैम्पू। शैम्पू आर द प्रिपरेशन यूज एज ए प्रिपरेशन कंटेनिंग सरफेस एक्टिव एजेंट विच आर यूज टू रिमूव द डर्ट डर्ट एंड द ग्रेसी फ्रॉम द हेयर विदाउट अफेक्टिंग द नेचुरल ग्लोज ऑफ द हेयर, ओके। हमें क्या करना है, जो ऑयली हेयर्स है वो ऑयली ड्रॉपलेट्स वहाँ से निकाल देने हैं और नेचुरल ग्लो भी मेंटेन रखना है, ओके, हेल्प टू कीप हेयर फ्रैग्रेंट, लस्टीरियस, सॉफ्ट एंड द मैनेजेबल, ओके। नेक्स्ट, कैचेट्स। कैचेट्स आर दी सॉलिड यूनिट डोसेज फॉर्म ऑफ ड्रग, दे आर मोल्डेड फ्रॉम दी राइस पेपर यूज्ड टू एनक्लोज द नॉसियस एंड डिसएग्रीएबल पाउडर्स। नॉसियस एंड डिसएग्रीएबल पाउडर को क्या किया जाता है, इनक्लोज किया जाता है इस कैचेस में, एंड आर अवेलेबल इन डिफरेंट साइजेस टू होल्ड द ड्रग फ्रॉम 0.2 टू 1.5 ग्राम ऑफ द पाउडर। नॉसियस एंड डिसएग्रीएबल ड्रग्स इसमें क्या किया जाता है, एनक्लोज किया जाता है, दे आर दी
मोल्डेड फ्रॉम द राइस पेपर से ये मोल्ड किया होता है। ठीक है, नेक्स्ट इपिलेशन, इट इज द मैकेनिकल रिमूवल ऑफ द हेयर। ये क्या है, मैकेनिकली हेयर को क्या करते हैं हम, रिमूव करते हैं बाय द मेथड प्लकिंग वैक्सिंग एंड इलेक्ट्रोलाइसिस। हेयर को मैकेनिकली रिमूव करना है इस मेथड से, इट इज पेनफुल। ये क्या है, इसमें पेन प्रोड्यूस होता है, मे कॉज स्किन डैमेज। स्किन भी क्या हो सकती है, डैमेज यहाँ पे हो सकती है। चांसेस ऑफ सिक्रीशन में इंक्रीज, सिक्रीशन के चांसेस भी हो सकते हैं इंक्रीज होने के। कंटेन द रोजिन बीज वैक्स अलॉन्ग विद द वेजिटेबल ऑयल्स, कूलिंग एजेंट, लोकल एनास्थेटिक्स, एंटीबैक्टीरियल। ओके, इसमें क्या होते हैं, कूलिंग एजेंट्स रहते हैं, लोकल एनास्थेटिक्स, एंटीबैक्टीरियल, वेजिटेबल ऑयल्स, बीज वैक्स, रोसिन, ये सब केमिकल्स किस में होते हैं, इपिलेशंस में होते हैं। नेक्स्ट है डिपिलेशंस। ओके, इट इन्वॉल्व इन द केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ द हेयर विदाउट इंजुरी टू द स्किन। यहाँ पे स्किन को इंजुरी हो रही है क्या, बिल्कुल इंजुरी यहाँ पे स्किन को नहीं हो रही। दे आर दी अल्कलाइन रिड्यूसिंग एजेंट, डिप्लीशंस आर दी अल्कलाइन रिड्यूसिंग एजेंट विच कॉजेज द हेयर फाइबर टू स्वेल। ये क्या करते हैं, हेयर फाइबर यहाँ पे स्वेल होता है एंड प्रोड्यूस ए क्लीवेज। और क्या प्रोड्यूस करता है, क्लीवेज प्रोड्यूस करता है। हेयर कंटेन दी डाइसल्फाइड एंड दी सिस्टीन ब्रिजेस, क्लीवेज करके क्या ब्रेक करता है, ये डाइसल्फाइड एंड सिस्टीन ब्रिज ब्रेक करता है बिटवीन द एडजेसेंट पॉलीपेप्टाइड चेन एंड डिग्रेड द हेयर। एंड हेयर को क्या करता है, डिग्रेड करता है, और इजी तरीके से हेयर क्या हो जाते हैं, यहाँ पे रिमूव हो जाते हैं। नेक्स्ट डेंटिफ्राइसिस। ओके, डेंटिफ्राइसिस आर द प्रिपरेशन मीन फॉर अप्लाई टू द टीथ विद द हेल्प ऑफ द टूथ ब्रश फॉर द पर्पज ऑफ क्लिंजिंग द एक्सेसेबल सरफेस ऑफ द टीथ। टीथ का जितना एक्सेसेबल सरफेस है, जहाँ पे हम एक्सेस कर सकते हैं, जा सकते हैं, उतने ही सरफेस को क्या करना है, हमें क्लीन करना है। और फॉर दैट पर्पज वी यूज द प्रिपरेशन दैट इज द डेंटिफ्राइसिस। इमल्शन, इमल्शन इज ए बायोफेजिक लिक्विड प्रिपरेशन कंटेनिंग टू इमिसिबल लिक्विड, वन ऑफ विच इज डिस्पर्स्ड एज ए माइन्यूट ग्लोब्यूल्स इंटू द अदर। द लिक्विड विच इज कन्वर्टेड इंटू द माइन्यूट ग्लोब्यूल्स कॉल्ड एज ए डिस्पर्स्ड फेज। जो ऐड किया जाता है, जो माइन्यूट ग्लोब्यूल में कन्वर्ट होता है, जो ऐड किया जाता है, जो डिस्पर्स होता है, उसे क्या कहते हैं, डिस्पर्स्ड फेज। एंड द लिक्विड विच विच द ग्लोब्यूल्स आर डिस्पर्स, और जिसमें ग्लोब्यूल्स डिस्पर्स होते हैं, ओके, आर कॉल्ड एज ए कंटिन्यूस फेज, उसे क्या कहते हैं, कंटिन्यूस फेज कहते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए फ्रेंड्स। सपोजिटरीज, सपोजिटरीज आर द मेडिकामेंट और दीज आर द सॉलिड डोसेज फॉर्म ऑफ द मेडिकामेंट फॉर इंसर्शन इन टू द बॉडी कैविटीज अदर देन माउथ। माउथ छोड़ के जो अदर बॉडी कैविटीज है, उसमें हम जो यूज करते हैं, उसे क्या कहते हैं, सपोजिटरीज कहते हैं। और जो जो सपोजिटरीज हम वजाइनल रूट के लिए यूज करते हैं, उसे कहते हैं हम पेसरीज। ओके, क्या कहते हैं, पेसरीज, हम उसे पेसरीज कहते हैं, जो वजाइनल रूट के लिए हम सपोजिटरीज यूज करते हैं उसे। देन क्रैकिंग, क्रैकिंग मीन्स ए सेपरेशन ऑफ द टू लेयर डिस्पर्स एंड कंटिन्यूस फेज ड्यू टू द कोलिसेंस ऑफ द डिस्पर्स फेज ग्लोब्यूल्स विच आर डिफिकल्ट टू रीडिस्पर्स बाय द शेकिंग। देखिए, एक ऑयल फेज होता है, एक वाटर फेज होता है, दोनों मिक्स किए हुए हैं, एक होगा डिस्पर्स फेज, एक होगा कंटिन्यूस फेज। ओके, अगर यहाँ पे क्रैक हो गया, मीन्स यहाँ पे इमल्शन का मेंटेन है जो होमोलॉगस नहीं है, ओके, एक जिंसी बोलते हैं उसके, वो एक जिंसी नेचर उसमें नहीं है। ओके, ये डिस्पर्स हो गया है, शेक करने के बाद भी वो मिक्सअप नहीं होगा। ओके, दैट इज द क्रैकिंग। आयोडोसिंक्रेसी, एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिस्पॉन्स टू ए ड्रग विच इज डिफिकल्ट फ्रॉम इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स फार्माकोलॉजिकल एक्शन कॉल्ड एज ए आयोडोसिंक्रेसी। सपोज दैट फार्माकोलॉजिकल जो एक्शन है, उस एक्शन से भी डिफरेंट अगर कोई रिस्पॉन्स मिलता है जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स उस ड्रग का नहीं है, तो उसे क्या कहते हैं, आयोडोसिंक्रेसी। सपोज दैट ए नाम का कोई ड्रग है,
अगर वो ड्रग हम टेम्परेचर कम करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन वो कोई डिफरेंट ही कॉज कर रहा है जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। टेम्परेचर के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो ड्रग क्या कॉज कर रहा है, कोई अदर इफेक्ट दिखा रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, आयोडोसिंक्रेसी। ओके, और आप आइडियोसिंक्रेसी भी कह सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एस्पिरिन मे कॉज दी गैस्ट्रिक हिमोरेज एंड स्मॉल डोज ऑफ क्यूनिन मे प्रोड्यूस ए रिंगिंग इन हियर। ओके, देखिए नॉर्मली हम एस्पिरिन लेते हैं एंटीपायरेटिक नेचर पे टेम्परेचर कम करने के लिए, लेकिन जब स्मॉल डोज दिया तब हमें पता चला इट एक्ट एज ए गैस्ट्रिक, सॉरी इट कॉजेस ए गैस्ट्रिक हिमोरेज। ये क्या करता है, गैस्ट्रिक हिमोरेज करता है। और स्मॉल डोज क्यूनिन, या हम एंटी मलेरियल बोल के भी यूज़ करते हैं क्यूनिन, स्मॉल डोज अगर उसका यूज़ किया देन प्रोड्यूस ए रिंगिंग इन हेयर, हेयर में रिंगिंग प्रोड्यूस करता है। तो ये चीज़ें पता चली, दैट इज द आइडियोसिंक्रेसी। जेली, जेलीज आर दी ट्रांसल्यूसेंट, यह हमने डेफिनेशन देखी है ऑलरेडी जेलीज की। एच एल बी स्केल, हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस। ओके, एच एल बी मीन्स द हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस सिस्टम एंड हैज एन आर्बिट्ररी स्केल ऑफ 1 to 18। एच एल बी नंबर आर दी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड फॉर डिफरेंट इमल्सिफायर इन ए लेबोरेटरी। द सिस्टम इज डिवाइस बाय द ग्रिफिथ। ओके, लेबोरेटरी में इमल्सिफाइंग जो एजेंट है उसका एक स्केल होता है, उसे क्या कहते हैं, एच एल के, वो कैसा होता है, 1 to 18 वो स्केल होता है। ओके, डिटेल्स भी है फ्रेंड, डिटेल्स हम अगले वीडियो में भी इसके बारे में बहुत डिटेल्स लिखने वाले हैं, लेकिन ये शॉर्ट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम में लिखने के लिए शॉर्ट डेफिनेशन। अगर आई आई तो आपको क्या लिखना है ये इसमें समझ में आ जाएगा। देन पोसोलॉजी, इट इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पोसोज मीनिंग हाउ मच एंड लॉगस मीनिंग साइंस। पोसोलॉजी, पोसोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द डोज और क्वांटिटी ऑफ द ड्रग विच कैन बी एडमिनिस्टर्ड टू ए पेशेंट टू गेट डिजायर्ड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। ओके, इसे क्या कहते हैं, पोसोलॉजी कहते हैं। पोसोज मीन्स क्या है, हाउ मच यानी कितना, एंड लॉगस मीन्स साइंस। ओके, इट डील्स विद द डोज और द क्वांटिटी ऑफ द ड्रग, हमें पेशेंट को कितना क्वांटिटी ड्रग एडमिट करना है फॉर द डिजायर्ड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, वो क्वांटिटी कैलकुलेट करना है, दैट इज द पोसोलॉजी। उसे क्या कहते हैं, हम पोसोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट, इफर्वेसेंट ग्रेनुल, इससे पहले भी हमने डेफिनेशन देखी थी। इट इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ मेडिकामेंट, सॉलिड डोसेज फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट फॉर इंटरनल यूज। दे आर कंपोज्ड ऑफ सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। इसमें क्या होता है, सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ऐसे भी डेफिनेशन आप यहाँ पे लिख सकते हैं एग्जाम में। इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एसिड रिएक्ट विद द अल्केली रिलीज ए कार्बन डाइऑक्साइड। दिस हैपन इन द इफर्वेसेंट ग्रैनुल्स। ओके, हमने देखा है इनो का एग्जाम्पल है, इनो जब हम डालते हैं तो एफर्वेसेंट यहाँ पे निकल आते हैं, दैट रिलीज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। द वाटर रिएक्ट, वाटर एंड एसिड रिएक्ट विद द अल्कली देन रिलीज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हेल्प टू मास्क द बेटर एंड द सलाइन टेस्ट ऑफ द ड्रग। ओके, इट आर हेल्प टू मास्क द बिटर एंड द सलाइन टेस्ट। बिटर टेस्ट जो है वो मास्क करने के लिए ये हेल्पफुल है। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड स्टिमुलेट द फ्लो ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस एंड देयर फोर हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, गैस्ट्रिक जूसेस का फ्लो क्या करता है, इंक्रीज करता है, देयर इट हेल्प फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। तो इसकी वजह से क्या होता है, ड्रग का एब्जॉर्प्शन के लिए हमें मदद मिलती है, हेल्प मिलती है। आई ड्रॉप्स, आई ड्रॉप्स आर द स्टराइल एक्वियस ऑयली सस्पेंशन ऑफ द ड्रग दैट आर इंस्टिल इन टू द आई और इंस्टॉल इन टू दी और गिवन इन टू द आई विद द ड्रॉपर। दे यूजली कंटेन द ड्रग हैविंग एंटीसेप्टिक, एनेस्थेटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी, माइड्रियाटिक और मियोटिक प्रॉपर्टीज। ओके, ये सब प्रॉपर्टीज उसमें होते हैं। नेक्स्ट, पेस्ट
ये हमने डेफिनेशन पहले ही देखी है, पेस्ट आर द सेमी सॉलिड प्रिपरेशन इंटेंडेड फॉर। एंटी पस्पिरेंट, दीज आर द एजेंट यूज टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ पस्पिरेशन टू ओवरकम द बैड स्मेल। जब बॉडी से बैड स्मेल आता है तो बैड स्मेल को कंट्रोल करने के लिए, ओवरकम करने के लिए जो हम यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं, एंटी पस्पिरेंट, विच आर ड्यू टू द बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन। जो स्मेल आता है, व्हाई दिस स्मेल प्रोड्यूसेस, ड्यू टू द बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन, एंड दीज आर द एजेंट दैट प्रिवेंट द फ्लो ऑफ पस्पिरेशन टू ओवरकम द बैड स्मेल। ओके, एग्जाम्पल है यहाँ पे एंटी पस्पिरेंट का एल्यूमिनियम साल्ट, इसका एक एग्जाम्पल है, नेविया है, गैलिटी है। ओके, नेक्स्ट डिओड्रेंट, डिओड्रेंट इनिबिट द फॉर्मेशन ऑफ द बैड ओडर। ओके, बैड ओडर फॉर्म होने का ये इनिबिट करता है इन द पस्पिरेशन बाय सप्रेसिंग द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया। ये क्या करता है, ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया को सप्रेस करता है, और ये क्या करता है, फ्लो ऑफ द पस्पिरेशन, पस्पिरेशन को फ्लो को ये क्या करता है, ओवरकम करता है, और ये बैक्टीरिया के ग्रोथ को मास्क करता है, सॉरी किल करता है बैक्टीरियल ग्रोथ को, एंड मास्क द अनप्लेजेंट ओडर। एग्जाम्पल रेक्सोना, सैलिसिलिक एसिड, बोरिक एसिड, जिंक स्टीयरेट, दीज आर द एग्जाम्पल। देन नेक्स्ट कोल्ड क्रीम्स, these are the semi solid emulsion meant for the external application to the skin and mucous membrane. okay, ye semi solid emulsion hai external application, when applied they produce a cooling effect due to the slow evaporation of the water. water ka slowly evaporation hota hai, that's why they produce a cooling. they are prepared by emulsification of oil and water. oil and water ka emulsification karke ye प्रोड्यूस होता है पॉन्ड्स कोल्ड क्रीम, नेविया क्रीम, दीज आर दी एग्जाम्पल ऑफ द कोल्ड क्रीम। नेक्स्ट मस्केरा, मस्केरा इज ए ब्लैक पिगमेंट प्रिपेयर्ड फॉर एप्लीकेशन टू द आई लैशेज टू ब्यूटिफाई द आई। आई को ब्यूटिफाई करने के लिए, आई लैशेज पे ये क्या किया जाता है, अप्लाई किया जाता है, इट इज द ब्लैक पिगमेंट। इसको मराठी में हम, मराठी मध्ये आपण त्याला काजळ पण म्हणतो, काजल भी कहा जाता है। ओके, देन इट इज यूज्ड टू डार्कन द आई लैशेस एंड टू इंक्रीज देअर अपेरेंट लेंथ। ओके, टू इंक्रीज देअर अपेरेंट लेंथ, एग्जाम्पल लोरियल, मेबी लाइन। ओके, मेबी लाइन, लोरियल, दीज आर दी एग्जाम्पल। नेक्स्ट सिरप, इट इज स्वीट इन टेस्ट, विस्कस, कॉन्सन्ट्रेटेड, नियरली सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज कंटेनिंग 66.7% ऑफ वेट बाय वॉल्यूम ऑफ शुगर। ये सुक्रोज का सैचुरेटेड सोल्यूशन है, एक्वियस सोल्यूशन है, सुक्रोज का सैचुरेटेड मीन्स वाटर में बनाया गया सुक्रोज का सोल्यूशन है। यहाँ पे सुक्रोज ऐड किया जाता है अप टू द सैचुरेटेड लेवल। ऑइंटमेंट, these are the semi solid preparation intended for external application to the skin or mucous membrane, usually but not always they contain a medicament substances. okay, they contain the medicament substances. ointment hame malum hai different, hamare jo pain relieving jo rehte hai wo zyada tar ointment hi rehte hai. okay, jaise jhandumam wagera hai, iodex hai. Incompatibility occur as a result of mixing two or more antagonistic substances and undesirable product is formed which may affect the safety, efficacy and appearance of the pharmaceutical preparation. okay, incompatibility yani kya, ye main aapko batata hu ki do substance, suppose A ek substance hai, B ek substance hai, do substance agar mix ho gaye, okay, एंड दे आर द एंटेगोनिस्ट, अगर ये एंटेगोनिस्ट है, एंटेगोनिस्ट यानी क्या, सपोज ए का काम है टेम्परेचर कम करना, ओके, तो बी भी का क्या करेगा, उसका अपोजिट करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा,
मीन्स हमारा टारगेट क्या था, ए अगर आप बॉडी में हमने दिया तो हमारा टारगेट था टेम्परेचर कम करना, लेकिन बी की वजह से क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, यानी कि क्या हो गई है, एंटेगोनिस्ट एक्शन एक्शन हो गई। ओके, मीन्स ए बी के साथ नहीं मिल रहा है, ये बी जो है ए के अपोजिट है, दैट इज द इनकम्पैटिबल है, उसे ही क्या कहते हैं हम, ये इनकम्पैटिबल है। ओके, ये डिटेल में इनकम्पैटिबिलिटी पे एक नेक्स्ट वीडियो हम डिटेल में बनाएंगे, उसमें एक सब इंफॉर्मेशन होगी। पायरोजेंस, ओके, पायरोजेंस आर द बाय प्रोडक्ट ऑफ बैक्टीरियल मेटाबॉलिज्म, पायरोजेंस आर पॉलीसेकेराइड, ये क्या है, पॉलीसेकेराइड है, बैक्टीरिया के मेटाबॉलिज्म होने के बाद ये प्रोड्यूस होता है, थर्मोस्टेबल, सोल्यूबल इन वाटर, अनअफेक्टेड बाय बैक्टेरिसाइडल एंड कैन पास थ्रू दी बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर। ओके, बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से भी ये पास होता है, दैट इज द पायरोजन, दीज आर दी पायरोजन ऑल्सो दी मेडिकमेंट दैट कॉजेज दी और दैट प्रोड्यूस दी टेम्परेचर, इंक्रीज दी टेम्परेचर इन बॉडी। ओके, बॉडी में टेम्परेचर बढ़ाने वाला भी सब्सटेंस कौन सा है, कौन सा है, पायरोजन सब्सटेंस, ये पायरोजन है। नेक्स्ट, डाउचिस, ओके, डाउचिस आर द मेडिकमेंट सॉल्यूशन फॉर रिंजिंग बॉडी कैविटी मोस्टली फॉर ब्लैडर। ओके, मींस ये रिंजिंग करने के लिए, क्लीन करने के लिए, वॉश आउट करने के लिए बॉडी कैविटी मोस्टली ब्लैडर, वजाना, रेक्टम एंड नेसल कैविटी, एग्जाम्पल पोटेशियम परमैंगनेट डाउचिस के सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, दीज आर दी एग्जाम्पल ऑफ दी डाउचिस। ओके, ये क्या है, रिंजिंग करने के लिए है, हमारे बॉडी कैविटी जो है उसे रिंजिंग करने के, अगर इन्फेक्शन वगैरह वहाँ पे हुआ है तो उसे क्लीन करने के लिए, वॉश आउट करने के लिए ये यूज़ करते हैं हम। गार्गल्स, ओके, गार्गल्स आर दी क्लियर एक्वियस सोल्यूशन यूज टू प्रिवेंट और ट्रीट द थ्रोट पेन। ओके, थ्रोट इन्फेक्शन को हम क्या करते हैं यहाँ पे, प्रिवेंट करने के लिए क्लियर एक्वियस सॉल्यूशन यूज करते हैं, उसे क्या कहते हैं हम, गार्गल्स, कैसे, दे आर ब्रॉट इनटू द इंटीमेट कॉन्टैक्ट विद द म्यूकस मेम्ब्रेन ओके ऑफ द थ्रोट एंड आर अलाउ टू रिमेन इन कॉन्टैक्ट इट फॉर फ्यू सेकंड। म्यूकस मेम्ब्रेन, थ्रोट का जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके साथ कुछ सेकंड के लिए ये संपर्क में आते हैं, कॉन्टैक्ट में हमें रखना पड़ता है। ओके, बिफोर दे आर थ्रोन आउट बाय दी माउथ, माउथ से बाहर हमें बाहर फेंकने से पहले कुछ एक थोड़ा टाइम वहाँ पे फ्यू सेकंड्स क्या करना पड़ता है, म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ उसका कांटेक्ट करना पड़ता है, एग्जांपल पोटेशियम क्लोरेट एंड फिनॉल गार्गल्स। ओके, पोटेशियम क्लोरेट गार्गल्स एंड फिनॉल गार्गल्स, बीपीसी, दीज आर दी एग्जाम्पल। नेक्स्ट, इनहेलेशन, ओके फ्रेंड्स, वीडियो आपको पूरा देखना है, पूरे डेफिनेशंस है, अगर आप वीडियो लगाकर कान में भी सुनते हैं तो आपको एक एक डेफिनेशन लर्न होने में आसानी हो जाएगी। ओके, इनहेलेशन आर दी सॉल्यूशंस और द सस्पेंशन ऑफ होलाटाइल एरोमेटिक सब्सटेंसेस एडमिनिस्टर्ड बाय नेसल और ओरल रेस्पिरेटरी रूट, ये क्या है, नेसल एंड दी ओरल रेस्पिरेटरी के लिए, रूट के लिए है, क्योंकि ये एरोमेटिक्स है और होलाटाइल है। ओके, रूट इन द फॉर्म ऑफ वेपर इनहेल्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द हॉट वाटर, ये क्या है, एक वेपर के फॉर्म में हम इसे लेते हैं। ओके, यूकेलिप्टस ऑयल इनहेलेशन, यूकेलिप्टस ऑयल इनहेलेशन है, और मार्केट में यूकेलिप्टॉल बोल के भी एक सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल आती है, हम क्या करते हैं, वाटर लेते हैं उसमें सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल डालते हैं और उसका क्या करते हैं, हम स्मेल लेते हैं इन केस ऑफ कोल्ड एंड कफ। ओके, दैट इज ऑल्सो दी इनहेलेशन, वो भी ये इनहेलेशन होगा विद दी वाटर सरफेस, हम बॉडी के अंदर वो ले रहे हो, वाटर सरफेस पर, हॉट वाटर पे ले रहे हो। ठीक है, सब्सक्रिप्शन इट कंटेन द डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट, सब्सक्रिप्शन यानी क्या, फार्मासिस्ट के लिए रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर की जो कोई डायरेक्शन है, डायरेक्शन फॉर प्रिपेयरिंग विच इज यूजुअली मिक्स सेम टैबलेट और दी कैप्सूल। ओके, क्या रहते हैं, मिक्स करो सेंट टैबलेट और कैप्सूल, सच टाइप ऑफ द इंस्ट्रक्शन, ओके गिवन टू दी और डायरेक्शन गिवन टू दी फार्मासिस्ट, ओके इन दी प्रिस्क्रिप्शन, इज कॉल्ड एज ए सबस्क्रिप्शन, क्या कहते हैं उसे, सबस्क्रिप्शन कहते हैं। सुपरस्क्रिप्शन इट कंसिस्ट ऑफ सिंबॉल आर एक्स विच इज इंस्ट्रक्शन टू दी फार्मासिस्ट,
पहले वाला देखिए क्या था, इट इज द डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट एंड दिस इज द इंस्ट्रक्शन टू द फार्मासिस्ट, ओके दिस इज द इंस्ट्रक्शन टू द फार्मासिस्ट एंड सब्सक्रिप्शन इट इज द डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट. आर एक्स स्टैंड फॉर द लैटिन वर्ड रेसिपी मीनिंग यू टेक एंड आर एक्स रिप्रेजेंट द साइन ऑफ जुपिटर मीनिंग द गॉड ऑफ हीलिंग. ओके गॉड ऑफ हीलिंग उसे कहा जाता है, जुपिटर का साइन ऑफ द जुपिटर गॉड ऑफ हीलिंग कहा जाता है, मीन्स देवता कहा जाता है. सब हमारे जो इश्यूज है हेल्थ रिलेटेड उसे सॉल्व करने वाला देवता हम कह सकते हैं. दिस इज फॉर प्रेइंग क्विक रिकवरी टू द पेशेंट. ओके इट इज फॉर द क्विक रिकवरी टू द पेशेंट के लिए ये सुपरस्क्रिप्शन है. इंस्क्रिप्शन, दिस इज द मेन पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन. ऑर्डर कंटेन द नेम क्वांटिटीज ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड इंग्रेडिएंट. जो इंग्रेडिएंट प्रिस्क्राइब किए हैं, ओके उसका जो नेम है क्वांटिटी है ये सब किस में रहता है, इंस्क्रिप्शन में रहता है. प्रिस्क्रिप्शन पे हम एक डिटेल वीडियो भी लाने जा रहे हैं, ओके कल ये वीडियो लॉन्च होगा प्रिस्क्रिप्शन पे. नेक्स्ट इलिक्जर, इलिक्जर आर द क्लियर स्वीट फ्लेवर्ड हाइड्रो अल्कोहलिक. इसमें क्या होता है, वाटर प्लस अल्कोहल होता है. लिक्विड प्रिपरेशन इंटेंडेड फॉर ओरल यूज, ओरल यूज के लिए वाटर एंड अल्कोहल होता है. और सिरप जो रहता है, ओके सिरप में क्या होता है, खाली वाटर होता है, अल्कोहल वहां पे नहीं होता. मिक्सर का हमने डेफिनेशन पहले भी देखा है. ड्राउचेस, दीज आर द लिक्विड प्रिपरेशन वेयर द होल डोज कैन बी टेकन एट ए वंस टाइम. ओके होल डोज क्या किया जाता है, एट ए वन टाइम टेकन किया जाता है. लिक्विड प्रिपरेशन ये होते हैं ड्राउट ड्राउचेस. डिस्प्लेसमेंट वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट वैल्यू ऑफ ए मेडिकामेंट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ द ड्रग विच डिस्प्लेस वन पार्ट ऑफ द बेस. ओके एक बेस से कितनी क्वांटिटी ड्रग की डिस्प्लेस हो रही है. एग्जाम्पल, सपोजिटरीज में हम क्या करते हैं, बेस यूज करते हैं. सपोज ये सपोजिटरीज है, ओके सपोजिटरीज है, और इस सपोजिटरी में हमने क्या ऐड किया है, सपोजिटरी ये मेडिकामेंट है. ओके सपोजिटरीज हमें बनानी है. सपोजिटरी में दो पार्ट रहेंगे, एक मेडिकामेंट रहेगा दूसरा बेस रहेगा. ये बेस हमने ऐड किया है, ओके बेस अगर ऐड करने के बाद कितना ड्रग क्वांटिटी डिस्प्लेस होता है, ऑलरेडी ड्रग इतना है. अगर कोई बाहर से बेस आता है तो कुछ क्वांटिटी डिस्प्लेस होगी क्योंकि शेप वही मेंटेन रखना है. मोल्ड में हम रखते हैं तो शेप मेंटेन रखना है. सो व्हाट एवर क्वांटिटी डिस्प्लेस दैट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट वैल्यू. डेंटिफ्राइसिस की डेफिनेशन हमने इससे पहले भी ली है. टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन TPN, इट इज द प्रैक्टिस ऑफ फीडिंग द पर्सन IV रूट और इंट्रावेनसली बाय पासिंग यूजुअल प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड डाइजेशन. यूजुअली जो डाइजेशन और ईटिंग से हम पर्सन को जब डाइट देते हैं वो ना अगर हो वो अगर इम्पॉसिबल है तो एट दैट टाइम टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन वी यूज थ्रू द IV रूट. द पर्सन रिसीव द न्यूट्रिशनल फार्मूला कंटेनिंग साल्ट ग्लूकोज अमीनो एसिड लिपिड एंड विटामिन्स, ये सब उसमें हम देते हैं. डायलिसिस, डायलिसिस इज द प्रोसेस बाय विच द सब्सटेंस आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर ड्यू टू डिफिकल्टीज इन डिफ्यूसिबिलिटी थ्रू द मेम्ब्रेन. ओके द फ्लूड यूज्ड इन दिस प्रोसेस इज नोन एज डायलिसिस फ्लूड. ओके क्या करते हैं डायलिसिस में, हम सब्सटेंस क्या करते हैं सेपरेट आउट करते हैं. ओके सब्सटेंस क्या करते हैं सेपरेट आउट करते हैं. दे आर डिफरेंस इन द डिफ्यूसिबिलिटी, मेम्ब्रेन से डिफ्यूजेबल होने में अगर कोई इशू है तो एट दैट टाइम वी यूज दी डायलिसिस टेक्निक एंड फ्लूड यूज फॉर दैट पर्पज दैट इज द डायलिसिस फ्लूड. इन केस ऑफ रीनल फेल्यूअर ट्रांसप्लांटेशन ऑफ द किडनी और द सर्टन केसेस ऑफ पॉइजनिंग डायलिसिस नीडेड टू सेव द पेशेंट. पॉइजनिंग केसेस में और किडनी फेल्यूअर में भी हम क्या यूज करते हैं, डायलिसिस हम यूज करते हैं. नेक्स्ट डेफिनेशन लिलीमेंट्स. ओके लिलीमेंट
दीज आर द लिक्विड और सेमी लिक्विड प्रिपरेशन मिंट फॉर एप्लीकेशन टू द स्किन अप्लाइड विद द फ्रिक्शन. ओके, फ्रिक्शन से हम अप्लाई करते हैं. व्हीकल इज मोस्टली ऑयली और द अल्कोहलिक व्हीकल आर यूज्ड. दीज आर यूज्ड फॉर एप्लीकेशन टू द अनब्रोकन स्किन एंड अप्लाइड डायरेक्टली. अनब्रोकन स्किन के लिए यूजुअली अप्लाई करते हैं, बिकॉज अल्कोहलिक वगैरह है तो अनब्रोकन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे इरिटेशन होने की चांसेस ज़्यादा है. ओके, नेक्स्ट लोशन आर दी लिक्विड और सेमी लिक्विड प्रिपरेशन. दे आर यूज्ड फॉर टॉपिकल इफेक्ट सच एज लोकल कूलिंग, सुदनिंग, प्रोटेक्टिव, इमुलेंट इफेक्ट, अप्लाइड विदाउट फ्रिक्शन. ये कैसा है, लोशन विदाउट फ्रिक्शन है एंड लिलीमेंट विद द फ्रिक्शन है. ये दोनों में बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है. व्हीकल इज मोस्टली एक्वियस. यहाँ पे अल्कोहलिक है लिलीमेंट में, यहाँ पे एक्वियस है. लोशन आर अप्लाइड ऑन द ब्रोकन स्किन. लिलीमेंट नॉट अप्लाइड ऑन द ब्रोकन स्किन, लोशन अप्लाइड ऑन द ब्रोकन स्किन. दे आर अप्लाइड विद द कॉटन गॉज. लोशन किसकी मदद से अप्लाई किया जाता है, कॉटन गॉज की मदद से अप्लाई किया जाता है. ये दोनों में एक महत्वपूर्ण डिफरेंस है. नेक्स्ट गार्गल्स, इसकी डेफिनेशन देखी है. थ्रोट इन्फेक्शन के लिए हम ये गार्गल्स यूज करते हैं. म्यूकस मेम्ब्रेन में कॉन्टैक्ट हमें फ्यू सेकंड्स उसका रखना पड़ता है वहाँ पे. माउथ वॉशेस ये भी हमने देखे हैं. माउथ वॉशेस आर द एक्विस प्रिपरेशन, प्लीजेंट टेस्ट एंड ओडर, यूजर मेक द क्लीन एंड डिओड्रेंट. बक्कल कैविटी के लिए क्लीन करने के लिए हम ये यूज करते हैं. नेक्स्ट नेजल ड्रॉप्स, ये भी हमने देखा है. नेजल ड्रॉप्स, ओके, नेजल ड्रॉप्स आर द एक्वियस सॉल्यूशन फॉर इंस्टिलिंग और गिवन इनटू द नोज विद द ड्रॉपर टू रिलीव द कंजेशन इन्फ्लामेशन टू कॉम्पैक्ट द इन्फेक्शन. ओके, नोज में जो इन्फेक्शन है उसके लिए हम क्या करते हैं, नेजल ड्रॉप यूज करते हैं. हमारा जो कोल्ड है, इन्फ्लामेशन है, उसी के भी लिए हम ये यूज करते हैं. इनहेलेशन, ये भी हमने डेफिनेशन देखा है. इनहेलेशन दीज आर दी लिक्विड प्रिपरेशन कंसिस्टिंग ऑफ होलाटाइल सब्सटेंसेस एंड आर यूज्ड टू रिलीव द कंजेशन एंड इन्फ्लामेशन. रेस्पिरेटरी ट्रैक का ओके इसके लिए यूज करते हैं. ईयर ड्रॉप्स, ओके, क्लींजिंग द ईयर अप्लाइड और गिवन विद द हेल्प ऑफ द ड्रॉप और सॉफ्टनिंग द वैक्स एंड फॉर द क्रिएटिंग द माइल्ड इन्फेक्शन. माइल्ड इन्फेक्शन जो है ईयर के, वो ट्रीट करने के लिए हम क्या करते हैं, ईयर ड्रॉप यूज करते हैं. पैरेंटल प्रोडक्ट्स, पैरेंटल प्रोडक्ट्स आर कंसिडर टू बी द स्टराइल सोल्यूशन, सस्पेंशन, इमल्शन दैट आर एडमिनिस्टर्ड बाय हाइपोडर्मिक इंजेक्शन. ओके, इंजेक्शन थ्रू, हाइपोडर्मिक इंजेक्शन थ्रू जो हम देते हैं, आइदर इन द फॉर्म इन विच दे आर सप्लाइड और आफ्टर द एडिशन ऑफ सुटेबल सॉल्वेंट और सस्पेंडिंग एजेंट. ओके, पैरेंटली जो हम देते हैं थ्रू द इंजेक्शन थ्रू जो देते हैं वो है. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ डोसेज फॉर्म है पैरेंटल. नेक्स्ट टॉलरेटेड इनकम्पेटिबिलिटी. इन दिस टाइप ऑफ द इनकम्पेटिबिलिटी द केमिकल रिएक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय मिक्सिंग विद द सोल्यूशन इन डायल्यूट फॉर्म और बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग बट नो अल्टरेशन इज मेड. ओके, इसमें अल्टरेशन किया नहीं जाता है. इन दिस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय मिक्सिंग. सोल्यूशन को डायल्यूट करके क्या किया जाता है, केमिकल रिएक्शन क्या किया जाता है, यहाँ पे कम किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है. और बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग, ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग चेंज करके क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है, बट नो अल्टरेशन इज मेड. मीन्स ए प्रोडक्ट है और बी है और सी प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे मिक्स करना है, तो ए में बी किया और बी में सी किया, तो ये रिएक्शन होने की वजह से केमिकल रिएक्शन हो सकती है. तो इसके ऑर्डर क्या करते हैं, यहाँ पे चेंज करते हैं, दैट इज टॉलरेटेड इनकम्पैटिबिलिटी. एडजस्टेड इनकम्पैटिबिलिटी, इन दिस टाइप ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी चेंज इन द फॉर्मुलेशन इज नीडेड विद द कंपाउंड और इक्वल थेरापेटिक वैल्यू. एग्जाम्पल मिक्सचर ऑफ कैफीन सिट्रेट एंड सोडियम सैलिसिलेट. कैफीन सिट्रेट कैन बी रिप्लेस्ड विद द कैफीन. ओके, एडजस्टेड यहाँ पे क्या किया जाता है, रिप्लेसमेंट किया जाता है. इनकम्पैटिबिलिटी पे नेक्स्ट वीडियो आ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और डिटेल होगा. थ्रोट पेंट्स अप्लाई टू द म्यूकस मेम्ब्रेन.
ओके डिप्लीटरीज, दीज आर द केमिकल एजेंट विच रिमूव्स द अनवांटेड हेयर्स फ्रॉम द बॉडी बाय केमिकल मेथड इंक्लूडिंग बेरियम सल्फेट एंड कैल्शियम स्ट्रॉन्टियम सल्फाइड. ओके नेक्स्ट रोग्यू, रोग्यू आर द कॉस्मेटिक प्रिपरेशन विच आर अप्लाइड टू द चीक फॉर द इन्हांसिंग द फेस ब्यूटी. फेस ब्यूटी इन्हांस करने के लिए अपने गालों पे जो लगाते हैं दैट इज द रोग्यू. और लास्ट है यहाँ पे डेफिनेशन, थेरापेटिक इनकम्पेटिबिलिटी व्हेन द इंटेंसिटी और द नेचर ऑफ द रिएक्शन ऑफ द ड्रग इज डिफरेंट फ्रॉम दैट इंटेंडेड बाय द प्रिस्क्राइबर देन सच इफेक्ट आर टर्म्ड एज थेरापेटिक इनकम्पेटिबिलिटी. अगर ड्रग का ए ड्रग का इफेक्ट है टेम्परेचर कम करना लेकिन वहाँ पे अलग ही आ रहा है इफेक्ट. ओके प्रिस्क्राइबर ने जिस हिसाब से दिया है उस हिसाब से इफेक्ट वहाँ पे नहीं आ रहा है, डिफरेंट ही इफेक्ट कुछ आ रहा है, दैट इज दिस टर्म एज ए थेरापेटिक इनकम्पेटिबिलिटी. इनकम्पेटिबिलिटी भी डिटेल होगा, ये सब इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, यहाँ आप स्क्रीनशॉट बना के नोट्स बना सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक्स वंस अगेन.